पता चल जाएगा। मैं कबूल करने तैयार हूँ, 99% में अपने आप को दे रहा हूँ कि मैं तुमको चीट कर रहा हूँ। यार 1% को तो मेरे को फायदा था, मर्डर को भी जो है वो जज 1% फायदा देकर संदेह को लाभ दे, इतना 1% का फायदा मुझको देके सिद्धांत को सुनो पर मानो मत जो मैं कह रहे हूं। वह बात को मानो वह तब तुम कि जब तुम सब बातन बालकन से जाके पूछ लो, कि शास्त्रीन से पूछ लो, बापन से पूछ लो, बापिन से पूछ लो, कि कुछ तो कहोगे कि अबोले ही रहोगे लाल, बता तो सही यार, वचन ये है, अर्थ ये कियो जा रहे हो, अब तुमको कितना मान्य है, तुमको कितना अमान्य है, या को तो खुलासा होएगा कि नहीं होएगा। यदि पुष्टि मार्ग अपने को जीनो है तो ये अर्थ है तो मेरे खोज को, ये अर्थ है तो मेरे सांगामाची हिलाने को। बाकी वासु ज्यादा कोई मैंने सीरियस बात नहीं की है, लोगों के मन में काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि न जाने क्या कहना चाह रहे हो, कौन से बालकन को हिलाने की कह रहे हो। भाई हिलाने झुलाने की कोई बात नहीं है, ये तो भाषा मेरी ऐसी है, करके ऐसी बात आ गई। बात को पते सु ठीक तरह से समझो, ये एक खुलासा करके अपन कल के विषय पे फिर से आवे। अरे मैं देखो भूल गया तुमको सुनाना, तुम्हारे लिए सुनाने के लिए लाया। ये देखो मगनलाल शास्त्री, जाने सारे ग्रंथ छापने की शुरुआत करी, जाने तेली वाला और वगैरह जो पूरी जो ग्रुप है तो जो अपने टास्क फोर्स हती पुष्टि मार्ग की, वाकू पैदा करने वालो ये मगनलाल शास्त्री। वाह मगनलाल शास्त्री, और जाकी कथा में तुमको बता चुके हो कि हमारे ताजी महाराज के साथ कैसे ढंग से पेश आए। वाह मगनलाल शास्त्री के लिए नड़ियाद वाले अनिरुद्धाचार्य जी क्या लिख रहे हैं ये देखो। वेदांत तत्वम दयायोपदिश्य यो भूत मदीयो दया हेतु भूमि, दया करके जिनने मुकु वेदांत समझायो। शास्त्री जी के लिए, पुरुषोत्तम शास्त्री के लिए कह रहे हो ये वो 50% वाली अहोरूप महोध्वनि नहीं है, या को डिफरेंशिएट समझो कि वेदांत तत्वम न तु कथा दयायोपदिश्य यो भूत मदीयो दया हेतु भूमि, मेरे उदय के लिए जो भूमि बन्यो, मैं उदित हो सकूं संप्रदाय में। ये अनिरुद्धाचार्य जी वो होते हैं जब शंकराचार्य जी ने वह बखत चैलेंज दी थी द्वारका पीठ वाले शंकराचार्य ने के पुष्टि मार्ग अप्रामाणिक है, तो वो अनिरुद्धाचार्य जी जो इनके शिष्य थे मगनलाल शास्त्री जी के, उनने वो चैलेंज एक्सेप्ट करी थी कि आओ मैं शास्त्रार्थ करने तैयार हूँ, और फिर शंकराचार्य को चुप रहना पड़े। तो ये वो अनिरुद्धाचार्य, देखो फर्क कितना पड़े है, पुष्टि अस्मिता होने से और नहीं होने से कितना फर्क पड़े करके वो बेचारे अनिरुद्धाचार्य जी ये बात कह रहे हैं कि वेदांत तत्वम दयायोपदिश्य यो भूत मदीयो दया हेतु भूमि श्री वल्लभाचार्य पदई कनिष्ठ। मगनलाल शास्त्री कैसा होते कि श्री वल्लभाचार्य के पद में जाकी अनन्य निष्ठा आती, तम मग्नलालम मनसा स्मरामी। वाह मग्नलाल शास्त्री को मैं अपने मन में स्मरण कर रही हूँ कि जाने मेरो करेक्टर बनायो, जाने मुकु संप्रदाय में संप्रदाय के आचार्य तरीके जीने के लायक बनायो, तम मग्नलालम मनसा स्मरामी। आज बालक कह रहे हैं कि ये सब चर्चा तुम्हारे नहीं करनी चाहिए, हमारे करनी चाहिए, हम कर लेंगे। अरे काय को चुपचाप अंदर कर लोगे, क्यों बाहर सुनी कर रहे हो, कुछ तो कहोगे क्या, बोले ही रहोगे लाल, बोलो, बोल क्यों नहीं रहे हो, क्या फर्क क्या पड़ गया तुम्हारे में। तो ये जब तक माहौल नहीं पैदा करोगे ना तब तक सुधरेगो नहीं, और यदि सुधरे नहीं तो एक बात समझो कि जो बिगाड़ रहे हो है वो तो गुनहगार है ही, और जो बिगड़ने दे रहे है वो चौगुनो गुनहगार है। जो बिगाड़ रहे हो वो तो गुनहगार है ही, पर जो बिगड़ने दे रहे है वो चौगुनो गुनहगार है, क्योंकि वाने पैटर्नाइज नहीं की हो तो बिगाड़ने की एक्टिविटी को तो कोई की बिगाड़ने की हिम्मत नहीं पड़ती। अपन ने बिगड़ने दियो है अपनी क्षुद्रता के कारण, क्योंकि अपने को मेहनत नहीं करना पड़े, अपन अपना टाइम आनंद से टीवी देखने में और सिनेमा देखने में और वीडियो देखने में बिता लें, दो चार दिन में कभी कथा हो जाए जाके सुन लें, बहुत तन्मय होकर आहा आनंद आई गयो, एक वक्त सांभवा जेवी कथा छे। अरे यार मेहनत क्यों नहीं करे, खुद शास्त्र में मेहनत क्यों नहीं करे, खुद सिद्धांत को समझने की मेहनत क्यों नहीं करे। तो क्योंकि अपन जो है वो ऐदी हो गए, और हम लोग ऐदी हो गए क्योंकि रेडीमेड जो है वो सोर्स ऑफ इनकम खड़ी हो गई, करके हम लोग भी नहीं मेहनत करना चाहें। मेहनत करो, जब मार्ग की मार्ग को जीनो है
तो मार्ग को समझने की मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करेंगे तो यह मार्ग में अपन गौरव सु तेजस्विता सु यशस्विता सु जिएंगे, तो अपन यह महाप्रभु जी के मार्ग के सच्चे अनुगामी होंगे। ऐसे कि अपने कारण अपन महाप्रभु जी प्रसन्न होंगे कि नहीं भाई मेरे ये अनुयायी सच्चे आए। और जब अपन ऐसे कौभांडी होंगे कि सारे महाप्रभु जी के सिद्धांत को लोपने वाले इनकी प्रशंसा करें, उनको प्रमाण पत्र दें, उनके जो गीत गावे उनको प्रशस्ति पत्र दें और उनके साथ अहोरूप महोध्वनि के नाटक पब्लिक में कहें, पब्लिक को क्या पता चलेगी कि क्या नाटक ही हो रहा है। पब्लिक समझेगी कि यही शास्त्री है और यही पुरुषोत्तम है, फिर तो ना अंधे गुरु लालची चेला दोनों नरक में ठेलम ठेला होने वालों है। तो ये बात समझ जाओ अच्छी तरह से। ये अर्थ में मैंने समझाना चाहो कि अपने को खोजना पड़ेगा छुपे भय को, और वो खोजने को सीधा उपाय है कि आपको महाप्रभु जी के सिद्धांतन को समझने को पुरुषार्थ करना पड़ेगा। नहीं पुरुषार्थ करोगे तो बहुत मुश्किल है। खैर, प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य दे कि आवते बरस पाछे आप ऐसे ही नहीं आ जाओ। गए बरस भी मैंने कही थी कि जो सिद्धांत पुष्टि विधान पढ़ा रहे हो तो एक को पढ़ा के आई हो, तो पता नहीं मैं पूछना नहीं चाह रही हूँ क्योंकि मुकु शर्म आ रही है पूछवे में क्योंकि यदि स्कोर जो है वो साल ऐसे ही क्लीन बोल्ड हो गया तो मुकु शर्म आ रही है पूछने में। या के लिए नहीं पूछ रहे हूँ, पर आवते बरस यदि मेरी बात थोड़ी भी आपको हृदय में उतरी हो तो आवते बरस वो पुरुषार्थ करो कि चाहे अपनी पत्नी को, चाहे अपने बच्चा को, अपने भाई को, अपने दोस्त को, जो आप सिद्धांत पढ़े हो पढ़ाओ। पढ़ाओगे तो आपको खुद को सोचना मिलेगा वहां पे, पढ़ाओगे तो वाकी शंकान को फेस करने की आपकी सामर्थ्य आएगी, पढ़ाओगे तो आपको खुद को जो है वो धीरे धीरे महाप्रभु जी योंतर हृदय स्तनव्रताम अशुभंग विधनवन आचार्य चैत्य वपुषा स्वगतिम व्यनक्ति आचार्य चरण आपके हृदय में भी प्रकाश करेगो करके महाप्रभु जी के ग्रंथन को पढ़ो और पढ़ाओ। बस मूल यही बात है खोजने की, और यासु ज्यादा तक खोजने की कोई बात नहीं है। और जब मुकाबला हो जाए कहीं तो बस इतनी सी सावधानी रखो कि वाह वक्त वो वचन सामने प्रस्तुत करो कि भाई कृपानाथ या को खुलासा करो, शास्त्री जी हो तो शास्त्री जी आनो खुलासा करो। नाराज हो जाए बोले नहीं तो फिर मैंने कविता बताई है वो भी याद कर लो, बोले बोल देना चुपचाप से, और तो क्या हो सके। हमें जब मार्ग को जीनो है अपने को तो परायोपन मान के अपन जी नहीं सकेंगे, और परायोपन नहीं मानना वाह का मतलब ऐसी नहीं कि अपने की हर व्यक्ति अपने व्यक्ति की हर जो मार्ग विरोधी प्रवृत्तियां हैं उनको अपन प्रोत्साहित करें ये भी मतलब नहीं है। समझो कि आपको बाप या समझो आपकी माँ आपको आज्ञा करे कि ला बेटा मेरे लिए जहर, बोले जो आज्ञा, पिया मुकु कि हाँ जो आज्ञा पियो, मर जाए बोले राम नाम सत्य। ये कोई माँ सेवा है, ये कोई बाप की सेवा है। तुम कह रहे हो कि हम बालक के सामने कैसे, शास्त्री के सामने हम कैसे बोले, वो तो कहाँ हम कहाँ। अरे भाई वो तो कहाँ और तुम कहाँ, ये बात तो सच है, पर वो कहाँ और तुम कहाँ ये भेद क्यों क्रिएट भयो, क्योंकि तुम अपने महाप्रभु जी के सिद्धांत खुद पढ़ नहीं रहे हो। यदि तुम भी पढ़ने लग जाओगे, यदि तुम भी एक एक को पढ़ाओगे, मैं ज्यादा की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम जो पढ़ रहे हो एक को पढ़ाओ, सिर्फ एक को पढ़ाओ, और वो पढ़ा के तुमको जो कॉन्फिडेंस आए वाके साथ तुम ये बात कह सकोगे कि भाई आप जहाँ हो वहां हम नहीं है, पर एक बात है कि जहां हम हैं वहां हमको ये वचन समझ में आया है, ये वचन ग्रंथ मिले है, और या को खुलासा आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। ऐसे दो चार वक्त खुलासा पूछे नहीं कि सब अपने आप माहौल सुधर जाएगा, जो माहौल बिगड़ गया है वो, ये बस माहौल सुधारने की बात है। वो ही पुष्टि अस्मिता के गान को जो है वो मुख्य हेतु है। तो क्षमा करियो क्योंकि लोगों को काफी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि क्या हिलाने की बात थी और क्या खोजने की बात थी। मुझको भी घबराहट हो गई कि लोग या को न जाने क्या क्या मिस इंटरप्रिटेशन करेंगे, कोई सचमुच में कोई बालक को हिला देगा जाके तो, और यूं ही बदनाम में पाचे कहेंगे कि अब श्याम मनोहर जी के गुट वाले हमको हिलाने और लग गए आके कि वो खुलासा कर देना बात समझो, हिलाना मने उनकी ये जो अज्ञान की वृत्ति है वाकू हिलाओ, उनको मत हिलाओ, उनको विराजे रहने दो शांति सुस्थिरता से, पर उनकी जो सिद्धांतन की उपेक्षा की वृत्ति है वाह वृत्ति को हिलाओ, यूं हमें डावाडोल हो गया और उनको कुछ निर्णय लेने की खुद को इच्छा हो, बोलने की इच्छा हो, वचनामृत करने की इच्छा हो, बस ये मेरी बात थी। तो ये थोड़े से आवश्यक खुलासा के बाद कल वाले विषय पर अपन आवे। कल ये विषय अपन ने जहां छोड़ो वाकू थोड़ा पूरा करके और फिर श्लोक पे जाएंगे।
ये मैं समझूं के होगो नहीं समझ में आयो तो पूछ भी सको। ये आज उलट गई बात। तो सबसे पहले यह बात को अपन पकड़े, ये जो जड़ है, जायते लिखो लिखो सब जने, जायते अस्ति, दूसरो भाव अस्ति, पहलो भाव जायते, दूसरो भाव अस्ति, तीसरो भाव विपरिणमते, चौथो भाव वर्धते, पांचवो भाव अपक्षीयते और छठो भाव विनश्यति। जायते मने पैदा हो रहे है, अस्ति हो गयो है कहीं तो पैदा, विपरिणमते वहां में कुछ चेंजेस आने शुरू है, क्योंकि जो पैदा हो गयो वो कोई हिमालय की टोच पे अकेली कोई वस्तु पैदा नहीं हुए है, जो पैदा भई है वो कोई ना कोई सराउंडिंग में पैदा भई है। तो जब सराउंडिंग में पैदा भई है तो सराउंडिंग की वापे असर पड़ेगी और वाकी सराउंडिंग पे असर पड़ेगी, माने वातावरण, जैसे वृक्ष की असर वातावरण पे पड़े, वृक्ष क्या करे, वातावरण में सु पानी हवा और फर्टिलिटी खींचे, जमीन में सु फर्टिलिटी पानी खींचे, हवा में सु पानी खींचे, आकाश में सु प्रकाश खींचे, ये अपने सराउंडिंग में सु वृक्ष खींचे, और वो खींचने के कारण वृक्ष कुछ छोड़े भी है। तो ये जो जैसे ऑक्सीजन ले ले, कार्बन ले ले और ऑक्सीजन छोड़े, तो वृक्ष जब ये काम कर रहे है तो जब वो ऑक्सीजन छोड़े करके कोई भी वृक्ष के एरिया में अपने को ऑक्सीजन प्राणवायु बहुत ज़्यादा मिले, और जहाँ जहाँ वृक्ष नहीं हो वहाँ प्राणवायु बहुत कम हो जाए। तो अपन यूँ समझें कि वृक्ष खड़े है क्या मतलब, पर एक बार ध्यान से समझो कि वृक्ष खड़े है क्या मतलब नहीं, वृक्ष जहाँ खड़े है वहाँ सराउंडिंग में से कुछ ले रहे है और वहाँ सराउंडिंग को कुछ दे रहे है। जहाँ वृक्ष पैदा हो गए वहाँ बरसात को, वहाँ जमीन को सारो नेचर बदल जाए, और जहाँ वृक्ष कम हो जाए वहाँ बरसात पड़ने की, वहाँ जमीन की स्थिति वो सारी बिगड़ जाए। ये अपने वर्तमान काल की अनुभूत हकीकत है। तो एक खड़े भयो वृक्ष भी ऐसो नहीं हो सके कि कहीं पैदा हो गयो और वहाँ में कुछ विपरिणाम नहीं आते हो, या वहाँ के कारण कुछ विपरिणाम वातावरण में पैदा नहीं होते है। अपन जो सांस ले रहे हैं वो वृक्ष की छोड़ी सांस ले रहे हैं, अपन जो सांस छोड़ रहे हैं वो वृक्ष सांस ले है, तो अपन जाने नहीं है, पर ये तो विपरिणाम तो आ ही रहे हो ना, वाके कारण अपने में आ रहे हो, अपने कारण वहां में आ रहे हो। तो जो भी कोई चीज कहीं भी पैदा भई तो वहां में कुछ न कुछ विपरिणाम तो आई।